नमस्कार, नवभारत टाइम्स डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश्वर कुमार। यूपी का इफेक्ट अब एमपी में भी दिखने लगा है। एमपी में भी अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। शनिवार को हिंसा भड़कने के बाद रायसेन में भी अपराधियों के घरों पर कार्रवाई की गई थी। उनके घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए थे। रविवार को भी यह कार्रवाई जारी रही है और एमपी के सेवपुर जिले में गैंग रेप के आरोपियों के घर तोड़े गए हैं। दरअसल एमपी के सेवपुर जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम से ऑर्डर मिलने के बाद प्रशासन ने रविवार को कार्रवाई शुरू कर दी और सीएम के आदेश के एक घंटे बाद ही 3 आरोपियों के घर तोड़ दिए गए हैं। इसके वीडियो सामने आए हैं। गांव में सुबह से ही बुलडोजर की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी वहां पहुंचे थे और अपराधियों के घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं। इसका वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने एक सख्त निर्देश और संदेश देने की कोशिश अपराधियों को की है कि अगर आप एमपी में अपराध करेंगे या किसी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो आपके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला शनिवार को प्रकाश में आया था। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को शेखपुर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर अपराधी बक्से नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम से आदेश मिलने के एक घंटे के अंदर ही वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई थी और इस कार्रवाई से पूरे सेवपुर जिले में खुशी की लहर है और तमाम लोग खुश हैं और एक स्वच्छ वातावरण का माहौल बन रहा है और साथ ही अपराधियों के मन में ऐसी कार्रवाइयों से एक खौफ भी पैदा होगा। तो कुल मिलाकर यह संदेश यूपी में जिस तरीके से सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवाए थे, उसी अंदाज में अब शिवराज सिंह चौहान भी काम कर रहे हैं। हालांकि बुलडोजर एमपी में अपराधियों के ठिकानों पर पहली बार नहीं, मतलब बुलडोजर का प्रयोग किया गया। इससे पहले भी कई बार अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चले हैं और इस बार फिर लगातार जब से यूपी में सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार जब वापसी हुई है सत्ता में, उसके बाद से एमपी में भी उसी तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए पूरा वीडियो कैसे अपराधियों के घर तोड़े। नमस्कार, नवभारत टाइम्स डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश्वर कुमार। यूपी का इफेक्ट अब एमपी में भी दिखने लगा है। अगर आप कंपनी आए तो दारू की मात्रा नहीं मिली।